हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं, अचानक केदारनाथ पहुंचे सैकड़ों नागों का झुंड। नज़ारा देखकर दुनिया नतमस्तक हो गई। चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ? जब अचानक केदारनाथ धाम में प्रकट हुआ सैकड़ों नागों का झुंड, आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? दोस्तों, जब भक्त के अंदर भगवान के प्रति असीम श्रद्धा होती है, दर्शन करने की लालसा होती है, तो दुनिया के आखिरी कोने से भी भगवान उसे अपने दरबार में बुला ही लेते हैं। लेकिन जब भक्त धर्म का दिखावा करते हुए अधर्म का साथ देता है, ऊपर से भक्ति का ढोंग दिखाकर अंदर से शैतानी स्वभाव रखना है, तो चौखट पर होने के बावजूद भी भगवान उसे दर्शन नहीं देते। आज की इस घटना से यही सीख आपको मिलने वाली है। इसलिए महादेव के सभी भक्त उनकी महिमा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे, क्योंकि ऐसा चमत्कार सालों में एक बार होता है। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है पुष्पा नाम की उम्र दराज महिला से, जिनकी उम्र तकरीबन 55 वर्ष थी। काफी सालों से वह चार धाम की यात्रा करना चाहती थी, लेकिन पति की मृत्यु हो जाने के कारण उसने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। कहते हैं जब इंसान के अंदर त्याग की भावना होती है तो उसकी इच्छा को फिर स्वयं महादेव पूरा करते हैं। पुष्पा जी ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के ऊपर कुर्बान कर दी और इस सब्र का उन्हें फल मिला कि उनके बच्चे की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी लगी, जिसके बाद अपने खर्चे पर उसने अपनी माँ को चार धाम की यात्रा पर भेजा। इस यात्रा में पुष्पा जी अकेली थी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर दर्शन करने के बाद वह केदारनाथ के लिए आगे बढ़ी। चार धाम की यात्रा कुछ समय पूर्व ही शुरू हुई थी। ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ थी और इसी भारी भीड़ की वजह से सभी पिट्ठुओं, पालकी वालों व खच्चर वालों का काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। पुष्पा जी अपनी उम्र के कारण पैदल चढ़ाई नहीं कर सकती थी और किसी जानवर को तकलीफ देकर भी वह केदारनाथ नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने पिट्ठू या पालकी के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुंचने का फैसला किया, लेकिन पालकी वाले उनसे बहुत अत्यधिक राशि ले रहे थे। इसके बाद वह एक पिट्ठू वाले के पास गई जो कि शक्ल से नेपाली लग रहा था और उसने नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाने के 8,000 रुपए मांगे। थोड़ा विचार करने के बाद उस पिट्ठू के साथ पुष्पा जी ने ऊपर जाने का फैसला किया। दोस्तों, केदारनाथ धाम में कई लोग अपनी पीठ के ऊपर टोकरी बांधकर उस टोकरी में लोगों को बिठाकर ऊपर और नीचे चढ़ाई करते हैं, इसलिए इन्हें पिट्ठू कहा जाता है। और पुष्पा जी भी ऐसे ही एक पिट्ठू के साथ ऊपर की ओर रवाना हो चुकी थी। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्राकृतिक नजारे मन को मोह रहे थे। पास बहती मंदाकिनी नदी का स्वर कानों में जोर से पड़ रहा था, लेकिन आसपास तेज रफ्तार में चलते खच्चर पिट्ठू को परेशान भी कर रहे थे। पुष्पा जी अपने साथ कई खाने की सामग्री और कई पेय पदार्थ लेकर आई थी, जिसे उन्होंने उसे पिट्ठू के साथ भी साझा किया। इसी बीच उस पिट्ठू वाले के साथ उनकी बहुत सारी बातें होने लगी। हमारे टाइम वह उन्हें केदारनाथ के कई चमत्कार और रहस्य के बारे में भी बता रहा था और इसी बातचीत में कब उन्होंने रामबाड़ा को पार कर लिया पुष्पा जी को पता भी नहीं चला। उन्होंने साथ में फोटो भी लिए और बातचीत करते हुए वे जंगल चट्टी पहुंच गए, जहां से 3 किलोमीटर बाद भीम बल्ली में उस पिट्ठू ने पुष्पा जी को एक कैंप दिखाया जिस स्थान पर वह रहता था। अब देखते देखते 6 से 7 घंटे हो गए और केदारनाथ में मात्र 4 किलोमीटर की दूरी बाकी थी। कुछ देर बाद जब दूर से पुष्पा जी ने केदारनाथ मंदिर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि प्रातः काल से ही इस नजारे को देखने की इच्छा उनके मन में थी, गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की। लेकिन जब वे मंदिर के पास जाने लगे तो एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। अचानक से 5 से 6 नागों का झुंड पुष्पा जी और उनके पिट्ठू के रास्ते में आ गया, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग डर गए और पिट्ठू भी उसी स्थान पर रुक गया। लेकिन सभी लोग बड़े हैरान थे, क्योंकि
क्योंकि आज से पहले केदारनाथ में इतने सारे नागों को एक साथ नहीं देखा गया था। क्या इस घटना के पीछे कोई कारण छुपा हुआ था? सभी लोग यही सोचने की कोशिश कर रहे थे। जब पुष्पा जी उस पिट्ठू की टोकरी में से नीचे उतरी, तब कुछ ही क्षण में वह नाग वहां से चले गए और रास्ता साफ हो गया। लेकिन अभी भी किसी के समझ नहीं आ रहा था, आखिर इतने सारे नाग एक साथ आखिर इस मार्ग पर क्यों आए थे। पुष्पा जी ने उसे पिट्ठू को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वह एक रात्रि केदारनाथ में ही रुकने वाली थी। लेकिन रात्रि के समय अत्यधिक भीड़ होने के कारण पुष्पा जी ने सुबह दर्शन करने का फैसला किया, लेकिन सुबह भी टोकन न होने की वजह से उनके दर्शन नहीं हो पाए। जब वह टोकन लेने पहुंची तो उसे दिन के सारे टोकन समाप्त हो चुके थे। पुष्पा जी हैरान थी, आखिर महादेव उन्हें दर्शन क्यों नहीं देना चाहते? उनकी वापसी की ट्रेन थी, जिस वजह से उन्हें बिना दर्शन की ही नीचे लौटने का फैसला किया। तभी उनके हाथ में एक चाबी आई जो उनकी नहीं थी। उनको ऐसा लगा कि यह जरूर उस पिट्ठू की चाबी है जो मुझे ऊपर लेकर आया था। निराशा मन से पुष्पा जी ने फिर एक पिट्ठू किया और केदारनाथ धाम में नीचे उतारना शुरू किया। नीचे पहुंचते पहुंचते जब वह भीम बल्ली तक पहुंची तो उन्हें उस पिट्ठू का वह कैंप दिखाई दिया जिसमें वह रहता था। पुष्पा जी ने सोचा, क्यों ना मैं उसकी चाबी उसे लौटा दूं? हो सकता है यह उसकी कोई आवश्यक चाबी हो। उन्होंने कैंप के बाहर खड़े होकर उसे आवाज लगाई, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह कैंप में नहीं है। तो पुष्पा जी ने सोचा कि कैंप के अंदर उसकी जरूरी चाबी में रख देती हूं। और जब उन्होंने कैंप के अंदर प्रवेश किया तो अंदर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उन्होंने एक थैली को खोल के देखा तो उसमें मांस रखा हुआ था। जब उन्होंने आसपास और थालियां में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सभी थैलियों में मांसाहार रखा हुआ था। पुष्पा जी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह एक ऐसे धाम पर थी जो चार धाम में से कहा जाता है, और ऐसे पवित्र धाम में भी लोग इतना गलत कम कर सकते हैं, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तभी उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पास में बने हुए केदारनाथ बेस कैंप पहुंचाई और तुरंत इस घटना पर एक्शन लिया गया। कुछ समय में अन्य पिट्ठुओं की सहायता से उस पिट्ठू वाले को भी पकड़ लिया गया। तब जाकर पुष्पा जी को एक बात समझ आई, आखिर केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद हमारे मार्ग को उन नागों के झुंड ने क्यों घेर लिया था। दरअसल वह पिट्टू वाले को आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे, क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसे अधर्मियों का आना सख्त मना है, और मैंने ऐसे व्यक्ति के माध्यम से इस यात्रा को पूरा किया। शायद इसी वजह से महादेव ने मुझे भी दर्शन नहीं दिए। पुष्पा जी नागों के झुंड का पूरा रहस्य समझ चुकी थी और रो रो कर महादेव से अपने द्वारा हुए पाप के लिए क्षमा मांग रही थी। तभी एक साधु महाराज ऊपर से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने अपनी सिद्धियों के माध्यम से पुष्पा जी का सारा दर्द समझ लिया और उन्हें सहारा देते हुए समझाया कि आपके द्वारा जो भी काम हुआ है वह सब महादेव की ही लीला है। अपने धाम में कुछ भी गलती या कोई भी अपवित्र काम वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम केवल एक माध्यम हो और तुम्हारे माध्यम से ही यह सारा सच सामने आया है। इसके बाद उन साधु महाराज ने पुष्पा जी को दर्शन का एक टोकन प्रदान किया और कहा कि टोकन के माध्यम से इस बार तुम्हारे दर्शन जरूर होंगे, और वह वहां से चले गए। पुष्पा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हीं आंसुओं के साथ उन्होंने फिर जो पिट्ठू उन्हें नीचे लेकर आया था उसी के साथ ऊपर एक बार यात्रा शुरू करी और अपने बेटे को कहकर ट्रेन का रिजर्वेशन एक दिन आगे बढ़ाया और केदारनाथ धाम पहुंची। 3 से 4 घंटे भीड़ में लगने के पश्चात, दर्शन की लाइन में लगने के पश्चात, साधु महाराज द्वारा दिए गए टोकन से उन्होंने आखिरकार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। इसके बाद वह बद्रीनाथ के लिए रवाना हुई और अपनी चार धाम की यात्रा को पूरा किया। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी विडंबना है। हाल ही में कई न्यूज चैनल में, कई अखबारों में हमें इस घटना की सच्चाई देखने को मिलती है कि किस प्रकार पिट्ठू के कैंप में अलग अलग क्षेत्र में केदारनाथ धाम में मांसाहार प्राप्त हुआ है। अर्थात जो लोग यात्रियों को बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं, वह भी इस तरह का गलत कर्म करके
भक्तों की यात्रा को अपवित्र बना रहे हैं। कलयुग के इस बढ़ते दौर में बस यही देखना बाकी रह गया था, लेकिन आशा है आगे ऐसी कोई घटना ऐसे किसी पवित्र धाम में ना हो। लेकिन इस पूरी चमत्कारी घटना से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के दर्शन हमें तभी हो सकते हैं जब हमारे कर्म अच्छे हो, मन में सही भाव हो और सही मार्गदर्शन से हो। उस पिट्ठू की गलती की वजह से नागों के झुंड को केदारनाथ धाम में अचानक प्रकट होना पड़ा और उसके मार्ग को रोकना पड़ा। कारण सिर्फ इतना था कि धार्मिक स्थल की पवित्रता बरकरार रहे। दोस्तों, अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें। भाई, मैं तो इन चीजों को मानने लग गई हूँ कि ये हो सकता है। और क्यों क्यों कहती हूँ मैं ये कि एक वीडियो अब में मैं डिटेल में भी समझाया है, पर इसमें शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब हम लोग अभी वैष्णो देवी गए थे तो हमारे साथ बहुत पंगे होते, हमारे पास रहने की जगह नहीं थी, गलत जगह बुकिंग कर दी थी, कटरा की बुकिंग कर दी थी सोच के कि हमने ऊपर मंदिर पे बुकिंग की हुई है। जब वहाँ पहुँचे रात के पता नहीं कितने 11, 10, 11 बजे तक, वहाँ पे पता चला कमरा ही नहीं है और बच्चे ऋषि साथ में वो रियाना भाई, हम दोनों थके मरे हुए, गर्मी इतनी जान निकली पड़ी। इसी हिम्मत से गए कि पहुँच जाएंगे तो आराम से कमरे में नहा नहू के रेस्ट कर लेंगे। और इसको ही जब लोग ज़मीनों पे लेटे हुए हैं सब है, हमें लग रहा था कि हम कहाँ से ज़मीनों पे ऐसे लेटेंगे, वो लोग तो फिर प्रिपेयर होके आए हैं, चद्दर वदर कुछ लेके आए होंगे। नीचे चींटे वो देख के हम, मैं तो बैठ भी नहीं पा रही थी वहाँ पर, चींटे इतने थे। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो उसको भी देखना व्लॉग में, पर ऐसा चमत्कार किया था भगवान जी ने। ऋषि भी बोला अब तो अगर नहीं मिला कमरा नहीं है तो घोड़ा वोड़ा लेके हम चले जाते नीचे। और मैं कहूँ भैया घोड़ा रात को कहाँ मिलना है, और घोड़े रात को होते ही नहीं होंगे जब इन्होंने को फल। और मेरे को था ये सब, मेरे उस टाइम भी इरादा था, मैं ऋषि चाहे बोल रहा था और ऋषि की तबीयत भी ख़राब हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि सब बोलेंगे नीचे जाना है, पर मेरे मन में से यही एक आवाज़ निकल रही थी कि चाहे मुझे, मैं यहाँ सो तो सकती नहीं इस यहाँ पर इस ज़मीन पर, गर्मी इतनी है, चींटे हैं, बैठ भी नहीं सकती। मैंने कहा चाहे मुझे यहाँ किसी कोने में ऐसे कोई साफ एरिया को छोटा सी जगह पे बैठना भी पड़े पूरी रात जाग के, पर मैंने सुबह दर्शन करके जाने हैं। और अंदर से रोना निकल रहा था और इन लोगों के सामने रो नहीं सकती थी, मतलब इतना था। और मैं, और उससे पहले जब हम इंडिया गए थे, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये वंदे भारत की वीडियो बनाई थी तो हम जा रहे थे वैष्णो देवी, तब भी मेरे को था कि मुझे भगवान जी को मिलना है वहाँ पे। वहाँ पे रास्ते में ही वैष्णो देवी के उसमें ट्रेन के अंदर ही ऋषि बीमार हो गया था, तो हम वहीं होटल में बैठ के ऋषि को दवाई दुवी दे के वापस आ गए थे बिना दर्शन किए। तो इस बारी तो मेरा पूरा मन हो गया था कि भैया इस बारी भी नहीं दर्शन होंगे, क्या चल रहा है, क्या हम पापी हैं। मतलब आपके दिमाग में आता है ना फिर कि ऐसा क्या कर दिया है जो भगवान जी अपने दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। पर उसके बाद भगवान जी ने ऐसा चमत्कार किया कि इतने अच्छे दो कमरे मिल गए और इतनी आराम से हम लोग पूरा रह के हमें दर्शन इतने अच्छे हुए। मेन वहाँ पे आरती तक हम गए, सब हुआ। और जब मंदिर के अंदर गए तो वहाँ पे पंडित जी और जो लोग थे उन्होंने आराम से देखने भी दिया और बताया भी कि मूर्तियों के बारे में, ऐसे नहीं कि चलो 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 चलो, तो इतना हुआ था। तो मैं तो ये जो स्टोरी है कि भैया ऐसे हुआ ऐसे, मैं तो मानती हूँ, पहले चाहे ना मानती हूँ पर जब मेरे साथ खुद हुआ है ना वो मैं भी मानती हूँ, ये भी मानते हैं, अब मेरा भाई भी मानता है कि भैया चमत्कार था, हमारे साथ तो चमत्कार हुआ है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।